छाया के पास 38 तिलियां है, कितनी तिलियां है? 38 तिलियां है, और 38 तिलियों में से मुकेश ने उसने 12 तिलियां दे दी, कितनी तिलियां दे दी? 12 तिलियां दे दी। तो छाया के पास कितनी तिलियां बचती है वो देखेंगे। चलो, कितनी तिलियां है तुम्हारे पास? 38, मतलब कितने बंडल, कितनी तिलियां? खोलो बंडल, मत खोलो। कितने बंडल, कितनी तिलियां? सोचो कितने बंडल, कितनी तिलियां? कितने बंडल, कितनी तिलियां? 3 बंडल, 8 तिलियां। चलो 3 बंडल उठा लो और 8 तिलियां उठा लो। हम ऐसा कर लेते हैं, चलो कितने हो गई? 38 तिलियां हो गई। दिखाओ गिनकर। तो कितनी हो गई? 38 हो गई। 3 बंडल, 3 तिलियां, 38 हो गई। ऐसा कर लेते, चलो तुम ना खुली तिलियां उठाओ, 38 गिन के उठाओ, इसमें से 38 तिलियां उठाओ। अब देखते हैं कि कितने बंडल और कितनी तिलियां होती है। चलो गिनो। 1, 2, 3, 4। कितने हो गए? 38। अब इसमें बंडल बना सकते हैं? बनाओ। कितने का बंडल होता है? 10 का होता है। चलो बनाओ। 1, 2, 3, 4, 9, 10। ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका बंडल बनेगा छाया? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 2 कम है इसमें। अब बताओ कि 38 में कितने बंडल और कितनी तिलियां बनी? 3 बंडल 8 तिलियां। 3 मतलब इकाई और बंडल मतलब दहाई। तो लिखो इकाई की जगह इकाई और दहाई की जगह दहाई। तिली की जगह तिली रखो और इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई रखो। अब 38 में से कितने देना है? 12। कितनी देना है? 12। 12 मतलब कितनी इकाई, कितनी दहाई? 38 में से इसको दे रहे हैं तो हमारे पास कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना, तो हम काय का निशान लगाएंगे या घटाने का। अब बताओ छाया तुम कि 8 में से 2 तिलियां दे सकती हो? तो दे दो उसको। तो तुम्हारे पास कितनी बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब कितनी दहाई है? 3। 3 बंडल है तुम्हारे पास, तो उसमें से 1 बंडल तुम दे सकती हो इसको, क्योंकि देना कितना है? 1 बंडल। तो दे सकती हो इसको, 3 में से 1 दे सकते हो? दे दिया। तो तुम्हारे पास कितने बचे? 2। लिखो। 26। तो क्या हुआ, बचे कितने? 26। मतलब छाया के पास कितने तिलियां? 38। उसमें से 12 तिलियां मुकेश को दे दिए, तो बचे कितने अपने पास? 26 बची। ठीक है, चलो देना कितना है उसको? 8। दे सकती हो? तो क्या करोगी? इसको हम खुले कर सकते हो। तो कहाँ आ जाएंगे वो? यहाँ पे। ठीक है, तो करो खुला। खुला हो गया, तो कितने हो गए कुल? गिन के बताओगे? यहाँ पर बचे 6। और कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
बंडल बनाओगे? अभी बंडल का तो तुमने खुल्ला करवाया है। बारह हो गए तो लिखो वहां पर पहले, ठीक है। अब बारह में से आठ दे सकती हो? यस यस दे सकती हो, दे दो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब कितने बंडल देना है, कितनी दहाई देना है उसको? सर दो, दो देना है तो उसमें से दे सकती हो तुम दो दहाई। छह बच्चे हैं उसमें से दे सकती हो? दे दो। तो बच्चे कितने हैं? चार। चार तो लिखो। अब सवाल को पढ़ो पढ़ो। मेरे पास 72 तीलियां थी और जिसमें से मुझे मनीषा को 28 तीलियां देनी थी, तो मेरे पास 44 तीलियां बची। शाबाश।